आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 अब फाइनल के करीब है। इस महामुकाबले पर क्रिकेट प्रेमी अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं, तो वहीं क्रिकेट भारत में किसी रिलीजन से कम नहीं हो गया है। लोगों की एक्साइटमेंट का तो लेवल ही क्रॉस हो गया है। यहां तक कि क्रिकेट प्रेमी टीम इंडिया की जीत के लिए पूजन हवन तक कर रहे हैं। ऐसे में प्रयागराज से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहाँ किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी की अगुवाई में ट्रांसजेंडरों की ओर से टीम इंडिया की जीत के लिए अखंड पूजा बैठाई गई। इस अखंड पूजा में अखंड ज्योति भी जलाई गई, जो कि मैच के पूरा होने तक जलती रहेगी। पूजा पाठ के दौरान ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सभी ने गीत गाए और नृत्य भी किया। साथ ही सभी ने कामना की कि जैसे साल 2011 में भारत ने जीत हासिल की थी, वैसे ही इस बार भी भारत विश्व कप विजेता बने। तो यूपी के मुरादाबाद में भी वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर जबरदस्त खुमार दिखा। मुरादाबाद की एक केक बेकरी में वर्ल्ड कप फाइनल में खेलने वाले हर खिलाड़ी की थीम पर केक बनाए गए। इतना ही नहीं, क्रिकेट ग्राउंड से लेकर वर्ल्ड कप का केक भी इस बेकरी पर क्रिकेट प्रेमियों को आकर्षित कर रहा है। तो वही मुकाबले से पहले ही लोग बड़ी संख्या में केक को लेकर ऑर्डर भी कर रहे हैं और 19 तारीख के लिए केक की बुकिंग कर रहे हैं। तो वहीं क्रिकेट को लेकर क्रेज इतना जबरदस्त है कि कुछ लोग तो अभी से ही केक लेकर जा रहे हैं। साथ ही बेकरी पर आ रहे लोग इन खास केक्स के साथ अपनी सेल्फी भी लेने से नहीं चूक रहे। बहरहाल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के इस महामुकाबले में दोनों टीमों की परफॉर्मेंस को देखते हुए कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है कि वर्ल्ड चैंपियन भारत बनेगा या ऑस्ट्रेलिया, किसके सिर पर जीत का ताज सजेगा। फिलहाल इसे जानने के लिए हर कोई बेचैन है। हालांकि लोगों की एक्साइटमेंट ने अभी वर्ल्ड कप के मुकाबले के माहौल को बिल्कुल जबरदस्त बना दिया है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। हमारी ये खास खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।